हाय फ्रेंड्स, आज सीखेंगे लाछा पराठा बनाना। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाएंगे इसे। सबसे पहले एक बॉल हमने ले लिया है और इसमें डालूँगी एक कटोरी मैदा। उसके बाद से एक कटोरी इसमें गेहूँ का आटा डालूँगी और इसी कटोरी से हम 1/4 कटोरी सूजी डालेंगे, जिसे रवा भी बोलते हैं। उसके बाद से इसमें आधे टेबल स्पून नमक डालूंगी मैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर लें। उसके बाद से इसमें घी या ऑयल हम डालेंगे, तो इसमें हम 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छा से हमने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे ताकि आटा में अच्छा से ऑयल मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं अच्छा से मिक्स कर लिया है हमने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और हम इसका डो बनाएंगे। और इसका डो ज़्यादा सख्त हो या ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है हमें, मीडियम लगाना है। और पानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालेंगे, नहीं तो ये लूज हो जाएगा ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे हमने गूँथ लिया है और थोड़ा सा हाथों में ऑयल लेकर के हम अच्छा से और इसे गूँथेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें गूँथना है और थोड़ा सा इसे सख्त आटा हमें सख्त डो लगाना होता है, ज़्यादा सख्त नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने डो लगा लिया है। अब इसे 20 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुका है, चलिए देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो चुका है आटा। तो इसका हम हाथों में ऑयल लगा करके और इसके लोई को तोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम 4 से 5 लोई इतने आटों में बनाएंगे। तो एक लोई हम ले रहे हैं और बाकी को ढक के रख देते हैं। तो इस तरीके से हमें लोई को शेप दे देना है। उसके बाद से हमें थोड़ा सा मैदा लगा करके इसे बेलना है, बिल्कुल पतला। फ्रेंड्स, इसे जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेलें। तो आप देख सकते हैं ये टेढ़ा मेढ़ा हो तो चलेगा, इसे बिल्कुल गोल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इसे गोल आप बेलें। तो आप देख सकते हैं कितना पतला हमने बेल लिया है इसे, आप इसे देख सकते हैं। इसे और भी पतला हम करेंगे, जितना पतला आपसे हो पाए उतना पतला कीजिए। तो हमने ये बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे, चारों तरफ हमें एक लेयर ऑयल का लगाना है इस तरीके से। आप चम्मच या हाथों की मदद से लगा सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने चारों तरफ अच्छा से ग्रेस कर लिया है ऑयल से। उसके बाद इसे हम एक चाकू की मदद से इसे बारीक बारीक लेयर कट करेंगे इस तरीके से, जितना बारीक आप कट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें बारीक कट कर लेना है हाथों को बचाते हुए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया है। अब इसी चाकू के मदद से हमें इसे इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आसानी से इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरीके से हमें इसे इकट्ठा कर लेना है। तो इकट्ठा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा मैं ऑयल का ग्रीस कर दूंगी ऑयल से इस तरीके से, ताकि ये सारे लेयर अलग अलग रहें, इसकी वजह से हम इस ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं। तो हमने कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते हुए लोई का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये फोल्ड हो चुका है, देख रहे हैं आप, सब लेयर अलग अलग दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे अब हाथों की मदद से हम इस तरीके से प्रेस करते हुए पराठे का शेप दे देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको प्रेस करना है,
इसे हम बेलेंगे नहीं, बेल के बनाएंगे तो इसका लेयर खुलेगा नहीं, तो इसलिए हमने हाथों से प्रेस करते हुए इसी पराठे का शेप दिया है। और उधर हमने एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, आप पैन वा कुछ भी रख सकते हैं आप इसे, तो हमने इसे तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे अब डाल देते हैं तवे के अंदर। तो इस तरीके से हल्के हाथों से हमें उठा लेना है और इसे गर्म पैन में मैं डाल रही हूँ, आप इसके जगह पे तवा भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक साइड हमने इसे सेक लिया है, अब इसे पलट लेंगे हम। तो फ्रेंड्स दूसरी साइड भी हम इसे सेकेंगे थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर आने तक, इसे सेकना है ब्राउन चिट्टी आने तक। तो आप देख सकते हैं सिक रहा है दूसरी साइड, तो ऊपर हम फॉइल लगाएंगे या घी, और अच्छा से हमें घी से लगा देना है, उसके बाद हम पलट के दूसरी साइड भी घी लगाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप बटर या घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। तो ये दूसरी साइड भी हमने लगा दिया है, अब इसे दोनों साइड अच्छा से पलटते हुए सेक लेना है और इसे प्रेस करते हुए हमें सेकना है इसे। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से अच्छा तरीका से सेक लिया है और ये गोल्डन चिट्टी आ चुका है, आप देख सकते हैं इसे। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। और फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और आप देख सकते हैं इसे थोड़ा सा मैं खोल के दिखा रही हूँ इसके लेयर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से खुल रहा है। तो आप अपने घर पर इसे ज़रूर बनाएं और हमें ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें। थैंक यू।